हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जसवंत कार्ड्स। और आज की वीडियो भाई बहुत स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज पीपल वो आर प्लानिंग टू बाय ब्रीजा इन 2022। जो लोग ब्रीजा के लिए प्लान कर रहे हैं 2022 में और कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ब्रीजा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो भाई आज मैं ब्रीजा को ना सिर्फ ड्राइव करके दिखाऊंगा बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रीजा को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रीजा को कंसीडर करना चाहिए तो ब्रीजा का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी बने बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई हम लोग बैठे हैं ब्रीजा के VXI वेरिएंट में और इसके अंदर 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन है। हालांकि इस गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू भी मैं लेके आऊंगा चैनल के ऊपर। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो स्पेस को लेके मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। काफी कंफर्टेबल पोजीशन है, अच्छी खासी पोजीशन है। और जो विजन है वो विजन कंप्लीटली बॉनेट क्लियरली विजिबल है, और आई थिंक इसकी जो हाइट है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बिल्कुल जी। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं एक बार। तो पहला गियर डाला मैंने, और इनिशियल पिकअप की अगर बात करें, पिकअप अच्छा है, एसी ऑन कर रखा है मैंने। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस में आई वो ये है कि इसके जो गियर्स हैं उनका जो ट्रैवल है काफी ज्यादा शॉर्ट है, लॉन्ग ट्रैवल नहीं है। अगर मैं सोनेट की बात करूं तो उनका ट्रैवल काफी लॉन्ग है एज कंपेयर टू ब्रीजा। सेकंड मैं बात करूंगा इसके स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग उतना स्मूथ नहीं है जितना सोनेट का है। सोनेट का काफी स्मूथ है स्टेयरिंग रिस्पॉन्स। एक चीज जो मैंने ऑनर से भी बात की, तो ऑनर ने बताया कि उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रैटलिंग नॉइस की, कि ये गाड़ी थोड़ी सी नॉइस करती है। तो बिल्कुल करती है भाई। जैसा कि अगर आप, मुझे नहीं पता कि ये माइक्रोफोन कितना जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल कुछ नॉइस जरूर आ रही है इसके डोर में से, या मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी आवाज कर रही है। हालांकि ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है, 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, और ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस गाड़ी को मेंटेन किया है। तो अगर मैं क्लच की बात करूं तो क्लच का ट्रैवल भी छोटा है सोनेट के कंपैरिजन में। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं भाई, यानी कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सेगमेंट में सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे मुझे नेक्सॉन के फील होते हैं, बट स्टिल खराब भी नहीं है, एक डिसेंट जैसे होने चाहिए इंडियन रोड के हिसाब से वैसे इसके सस्पेंशन है। उसी के साथ में भाई देखिए, पिकअप प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अच्छा खासा बड़ा इंजन ऑफर किया जाता है इसके अंदर, 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। डीजल इंजन ब्रीजा के अंदर आपको नहीं मिलता है। ORVM के साइज को लेके कोई इशू नहीं है, थोड़े से सोनेट से मे भी मुझे छोटे लग रहे हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली उनका साइज क्या है, बट थोड़े से छोटे लग रहे हैं। पर यह है कि जितना आपको क्लियरली विजन दिखना चाहिए उतना विजन आपको दिख जाता है। हॉर्न बहुत बेसिक सी है, ये देखिए अगर आप सुन पा रहे हैं, बहुत बेसिक सी हॉर्न है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि आप जब इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, आप एक SUV को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हैं, कि एक कंप्लीट कमांडिंग व्यू आता है आपको, एक ऊंचे पे बैठते हो आप। और आज के टाइम में जो हैचबैक का मार्केट है या फिर सेडान का मार्केट है, इसीलिए खत्म हो गया है क्योंकि लोगों को ऐसा है कि हमें ऊपर बैठना है, थोड़ी सी हाइट पे बैठना है। बाकी अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूं, ये देखिए, जहां चाहते हो वहां पे आप गाड़ी को जाम कर सकते हो, गाड़ी स्किट नहीं करेगी और ना ही किसी भी तरीके की कोई नॉइस आपको ब्रेकिंग के अंदर देखने को मिलेगी। तो ब्रेकिंग को लेके आप निश्चित हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो पिछली अपनी कुछ वीडियोस डाली थी, कई लोगों ने मुझे कहा कि सर ब्रीजा को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यू ब्रीजा आने वाली है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
2022 में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप सोनेट की तरफ जा सकते हैं, वेन्यू भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा ब्रीजा की। तो ब्रीजा के अंदर आपको एक 1462 सीसी का बड़ा इंजन मिल जाता है, जो कि हो सकता है आपको वेन्यू या सोनेट के अंदर या किसी और गाड़ी के अंदर नेक्सॉन में ना मिले। तो अगर आप मुझे पूछते हैं कि सर ब्रीजा को कंसीडर करना चाहिए 2022 में या नहीं, तो मैं कहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बेस वेरिएंट लेना है, आपका बजट है 8.5-9 लाख के आसपास, तो आप इसका LXi वेरिएंट ले सकते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। हालांकि कुछ छोटे मोटे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट जाके आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ब्रीजा का टॉप मॉडल लेना या फिर मिड वेरिएंट में जाना मुझे इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है इस टाइम पे, क्योंकि न्यू ब्रीजा आने वाली है। देखिए, हो सकता है दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप न्यू ब्रीजा का वेट कर लें, अगर आप वेट कर सकते हैं तो, और अगर वेट नहीं कर सकते हैं तो आप इसके बेस वेरिएंट पे जाइए जो कि है LXi, क्योंकि LXi वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको एक बेसिक सा म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है जो कि आई थिंक किसी भी बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता है। ब्रीजा ऑफर कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ 16 इंच के टायर आपको बेस वेरियंट से मिलते हैं। अगर वहीं आप सोनेट की बात करते हैं, नेक्सॉन की, या फिर बात करें वेन्यू की, तो उसमें आपको 15 इंच के ऑफर किए जाते हैं स्टार्टिंग के दो वेरिएंट्स में। जब आप थर्ड वेरिएंट में जाते हो तो 1 इंच टायर की साइज बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ लाइक अगर आप DRS बात करेंगे तो DRS आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएगी। पीछे जो टेल लैंप्स है वो कंप्लीटली LED के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं यही कहूंगा कि अगर आप बेस वेरिएंट कंसीडर करते हैं तो आप ब्रीजा की तरफ जा सकते हैं। तो भाई, ये कुछ था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस ब्रीजा को लेके। अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है ब्रीजा को लेके या किसी और चीज को लेके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, जसवंत कार्स नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। उसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, या आप कंफ्यूज हैं किसी कार को लेने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।